Hello and welcome back to Marine Book 28. Chapter number 1 and 2 हमने finish कर लिया था और अभी chapter number 3 आज start करेंगे. जिन्होंने chapter number 1 और 2 के videos नहीं देखे हैं वो please playlist में जाएं और वहाँ जाके सारे videos देख लें. ओके, सारे videos देखेंगे तभी आपको ये chapter समझ में आएगा, क्योंकि शुरुआत के chapter अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला. चैप्टर नंबर 1 एंड 2 उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाके वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पर आइए. चलिए चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं. जैस चैप्टर का नाम है आपका सेफ वर्किंग प्रोसीजर टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था और यहाँ पे अभी उसका सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके साथ में क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं. डिफरेंट टाइप्स के टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं वो मैंने बता दिया था और यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा कि सेफ्टी ऑफ लाइफ, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं. सेफ्टी ऑफ द लाइफ रेफर्स टू आवर ऑन सेफ्टी एंड दोज अराउंड अस. इट इंक्लूड्स प्रिवेंशन ऑफ ऑल इंसिडेंट्स दैट मे लीड टू माइनर इंजरीज, सीवियर इंजरीज, डिसेबिलिटीज, डेथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेफ्टी इज़ अ मैटर ऑफ एटीट्यूड वेयर. ओके, ये सब चीज़ें तो बुक में लिखी हुई हैं, ये सब आप पढ़ लीजिए, स्लोगन वगैरह जो भी हैं. कुल मिलाकर बात ये है कि सेफ्टी ऑफ द लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द मर्चेंट नेवी. ओके, तो आपको अपनी सेफ्टी रखनी है, आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी रखनी है और सेफ्टी ऑफ द शिप प्रॉपर्टी की सेफ्टी रखनी है. सेफ्टी ऑफ लाइफ मीन्स खुद की सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी मतलब शिप की सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट मतलब आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी सेफ्टी रखना ही आपकी ड्यूटीज़ हैं. ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्यूटी है हमारी वो सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी ऑलवेज, हमेशा आपको सेफ्टी के ऊपर में ध्यान देना है. तो ये जो पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं ये सारे के सारे हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग. ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द सेफ्टी यूज ऑफ सेंस. अभी आप सेफ्टी को ध्यान में कैसे रख सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. साइट मतलब देखो, टच मतलब छुओ, हियरिंग सुनो, स्मेल एंड टेस्ट. वेयर इज द सिक्स्थ सेंस इज इंडीड ऑफ द ग्रेट हेल्प इन द प्रिडिक्शन बिफोर अदर सेंसेस कैन आइडेंटिफाई एबनॉर्मल डेंजर सिचुएशंस. ओके, यहाँ पर क्या बता रही है कि जब तक आप किसी भी चीज़ को टच करके, उसको सूंघ करके, उसको सुन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेफ्टी के साथ में कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है. ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और सिक्स सेंस जो होता है वो हमेशा एक्टिव रखना होता है. ठीक है, उसके साथ में नीचे आएंगे तो ये जो पॉइंट इनको पढ़ लीजिए एक बार में, इज नथिंग मच इम्पॉर्टेंट. ओके, सेफ्टी ऑफ द सेल्फ एंड अदर्स बता दिया आपको हमने. इंसिडेंट लीडिंग टू द इंजरीज हैपनिंग ड्यू टू द फॉलोइंग. इंजरीज क्यों होती है, क्यों चोट लगती है लोगों को, जो नीचे जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इनकी वजह से चोट लगती है. इम्पैक्ट, स्लिप, फॉल, इंटेलिगमेंट, बर्न, इलेक्ट्रिक शॉक, कट, फॉरन पार्टिकल्स आई में चले जाते हैं, टॉक्सिस गैसेस को आप इनहेल कर लेते हैं, स्प्रेन हो जाता है, मोच आ जाती है पैर में, फिजिकल इंजरी हो जाती है. तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको इंजरी होने के चांसेस होते हैं अगर आप सेफ्टी फॉलो नहीं करेंगे तो. ओके, थोड़ा सा और आगे आते हैं. ये मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट कंपेरिजन टू द फाइनल एग्जाम. इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस बेसिक पता होना चाहिए. बुक में भी लिखा है, एक बार रीड करेंगे तो काफ़ी है उतना आपके लिए. ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. टू बी सेफ इन आवर इनर इंटेंसिटी बट वी टेंड टू बी नेग्लिजेंट ड्यू टू सब. ओके, लीव इट, नो प्रॉब्लम, कुछ इसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम. पढ़ लीजिए स्लोगन, स्लोगन पढ़ के थोड़ा मोटिवेट हो जाइए आप लोग. उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर हार्मफुल इवेंट्स आर अनडिजायरेबल एंड समथिंग समटाइम्स अनकंट्रोलेबल बट ऑलमोस्ट ऑल एक्सीडेंट आर अवॉइडेबल. बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी डेंजर सिचुएशंस होती हैं, वो सारी की सारी अनडिजायरेबल होती हैं. किसी की मर्जी से तो होती नहीं है, कभी भी हो सकती हैं. अनकंट्रोलेबल होती हैं जो भी ये इवेंट्स होते हैं, हार्मफुल इवेंट्स मतलब एक्सीडेंट्स जिसको बोल सकते हैं आप. तो जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो अवॉइडेबल हो सकते हैं, मतलब आप उनको अवॉइड तो कर सकते हो, कम से कम अच्छे से काम करोगे, सेफ्टी फॉलो करोगे तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे. बट अगर आपने सेफ्टी फॉलो नहीं की तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इट हैज़ बीन ए स्टेबलाइज्ड फैक्ट दैट द ह्यूमन एरर एलिमेंट्स इट रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एक्सीडेंट्स. ह्यूमन एरर अकर्स ड्यू टू टू मेजर फैक्टर्स. ओके, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं शिप में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, ह्यूमन एरर इंसान की गलती के कारण होते हैं, जिसमें इंसान जो है वो 80% का भागीदार है.
तो ह्यूमन एरर की वजह से क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। ह्यूमन एरर की वजह से क्या आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और एक्सीडेंट होने के 80% चांस किसके हैं, ह्यूमन के हैं। तो इंसान की वजह से ही ये सब चीज़ें होती हैं, हम लोग गलती कर देते हैं। और उसमें रीज़न क्या है, दो बड़े रीज़न हैं, नेग्लिजेंस एंड इग्नोरेंस। सेफ्टी को नेग्लेक्ट कर दिया आपने, या फिर उसको अनदेखा कर दिया, ठीक है। तो इनकी वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकते हैं और होते ही हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को इग्नोर करोगे, नेग्लिजेंस करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट्स होंगे। मीन्स आप सेफ्टी के साथ में कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। ऑन बोर्ड द शिप सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी ऑलवेज, ओके, नेवर यू शुड कम्प्रोमाइज़ विद द सेफ्टीज। ध्यान में रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं हम सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस की तरफ। पहले सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दिया है, सेफ्टी फर्स्ट। उसके बाद में आप जब भी कोई भी काम करेंगे, जो भी मशीन पर मेंटेनेंस करेंगे, कुछ भी करेंगे, उस टाइम पे आपको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं। जब आप सिर्फ में इंजन रूम में, मशीनरी स्पेस में, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो कैसे काम करेंगे, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे, वर्क प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे धीमे धीमे करके। ओके, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, ये वाला आप खुद से पढ़ लीजिए, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज इंक्लूड। अब ये जो नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट्स आप फॉलो करके क्या कर सकते हो, इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हो। मीन्स दीज आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एनी मशीन और एनी मशीनरी स्पेस और इन द इंजन रूम। क्या करना है आपको, ये सारे के सारे पॉइंट ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर वन क्या कहता है यहाँ पे, यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव गेयर एंड इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव गेयर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PPE बोलते हैं, पर्सनल का P, प्रोटेक्टिव का P, और गेयर नहीं बोलते हैं यहाँ पे, इक्विपमेंट बोलते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव गेयर और इक्विपमेंट, तो PPE यहाँ से ले लेते हैं। तो ये PPE हो जाते हैं आपके, मतलब बॉयलर सूट, हेलमेट, हेलमेट जो आपके सिर की सुरक्षा करता है, ग्लव्स आपके हाथों के लिए, बॉयलर सूट आपकी बॉडी के लिए, सेफ्टी शूज आपके पैरों के लिए, ईयर मफ आपके कानों के लिए, और गॉगल्स आपकी आंखों के लिए, सेफ्टी हार्नेस जब भी आप किसी भी हाइट पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी है जब भी आप अपनी ड्यूटी पर जाएंगे, जब भी आप इंजन रूम में जाएंगे, तब ये सब चीजें आपको फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। ये पहनेंगे तो इससे आप सेफ्टी को फॉलो कर सकते हैं, आप सुरक्षित रहेंगे और आपको इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। पॉइंट नंबर टू के बारे में डिस्कस करेंगे हम, यूजिंग अप्रोप्रिएट हैंड टूल्स करेक्टली। जो भी हैंड टूल आप यूज कर रहे हो, उसको सही से यूज करें और सही तरीके की टूल यूज करें। मतलब जब भी आप कोई नट बोल्ट ओपन कर रहे हैं, तो अगर गलत साइज का आप स्पैनर यूज करेंगे तो क्या होगा, नट बोल्ट खराब हो जाएगा और आपके हाथ में भी चोट लग सकती है। तो अप्रोप्रिएट टूल्स को यूज करना है, करेक्ट साइज की टूल को यूज करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री पर चलते हैं, चेकिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बिफोर यूजिंग। किसी भी इक्विपमेंट को और टूल को यूज करने से पहले उसको चेक करेंगे, कहीं वो इक्विपमेंट और टूल डैमेज तो नहीं है। अगर इक्विपमेंट डैमेज होगा तो क्या होगा, आपको चोट लग सकती है, इंजरी हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पुटिंग कवर्स ऑन द ओपनिंग और बैरिकेटिंग द एरिया। क्या होता है कि कोई बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे ओपनिंग होती है सॉरी, तो खुला हुआ स्पेस होता है, हैच कवर ओपन है, तो खुले हुए स्पेस में क्या होगा, आप वॉकिंग करके जा रहे हैं या फिर कहीं भी सडनली गिर गए उसके अंदर में, तो आपको इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। तो जो भी खुली हुई ओपनिंग्स होती हैं, उनको क्या करेंगे आप, बैरियर लगा देंगे चारों तरफ से, और चारों तरफ से बैरियर लगाने के बाद वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा देते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। रिप्लेस हैंड रेल एंड गार्ड ऑन बैरिकेटिंग स्पेस विदाउट रेल्स एंड गार्ड्स। बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनके चारों तरफ रेलिंग लगी होती है, लेकिन जब आप मशीन पर काम कर रहे होते हैं तो वो रेलिंग को हटा देते हैं, और हटाने के बाद में फिर आप लगाना भूल जाते हैं। तो क्या करना है आपको, जब भी काम खत्म करना है तो वहाँ पर रेलिंग्स वापस से लगा देनी है, जिससे कि लोगों को किसी को भी इंजरी ना हो। आप रेलिंग नहीं लगाएंगे, कोई भी जाके उधर गिर जाएगा, चोट नहीं लग जाएगी उसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूजिंग द प्रोटेक्टिव गेयर वाइल हैंडलिंग द डेंजर सब्सटेंसेस। डेंजर सब्सटेंसेस नॉर्मली क्या है, जो पहले पॉइंट में जो बताया है, हेलमेट, ग्लव्स, बॉयलर सूट, ये तो आपको रेगुलर पहनने ही पहनने हैं। ये देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये तो आपको रेगुलर पहनने ही पहनने हैं, इनको आप नहीं उतार सकते हैं। बट व्हेन यू आर वर्किंग विद द डेंजर सब्सटेंसेस, मतलब केमिकल्स, ओके, केमिकल्स, भाई इधर को हो जाओ हाईलाइट, हाँ ये जो पॉइंट है, केमिकल्स, तो जब भी आप डेंजर के साथ में काम करेंगे तो आपको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है, स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पे आप स्पेशल टाइप के जो केमिकल सूट होते हैं उनको पहनिए, जिससे आपकी बॉडी को केमिकल टच नहीं करेगा। नॉर्मल बॉयलर सूट पहनेंगे तो वहाँ पर केमिकल टच करने के चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, यूजिंग प्रोटेक्टिव गेयर वाल बेल्डिंग। जब भी आप बेल्डिंग कर रहे होंगे तो आपको पूरा बेल्डिंग के जो PPEs होते हैं, बेल्डिंग वाला चैप्टर आएगा।
ओके जब भी आप बेल्डिंग कर रहे होते हैं तो अभी बेल्डिंग के जो पीपीज होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं, वो पहनने हैं आपको, वो सब चीज़ें बेल्डिंग वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजिंग अप्रोप्रिएट टूल्स वाइल बेल्डिंग। बेल्डिंग करते समय आपको कौन से टूल्स यूज करने हैं, हम वो सब चीज़ बेल्डिंग वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग पावर टूल्स। पावर टूल्स मतलब जो टूल्स, ड्रिल मशीन हो गया आपका, ग्राइंडिंग हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ओके, और जो न्यूमेटिक से चलते हैं, उस टाइम पे आपको प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सब चीज़ें हम आगे जो चैप्टर आएंगे पावर टूल्स वाले उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। टेकिंग केयर विद वर्किंग ऑपरेटिंग मशीनरी। जब कोई मशीन रनिंग कंडीशन में है उस टाइम पे आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। टेकिंग केयर बिफोर ओपनिंग मशीनरी आइटम विच मे हैव इंटरनल प्रेशर। जब भी आप किसी भी मशीन पर काम कर रहे होते हो तो ऑब्वियस है कि मशीन के अंदर में प्रेशर होगा ही होगा, उस टाइम पे आपको प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, बिकॉज उस मशीन के अंदर जो प्रेशर होगा उससे आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टेकिंग केयर बिफोर ओपनिंग मशीनरी आइटम विच हैव द फ्लूड्स। फ्लूड्स मतलब डीजल हो सकता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल हो सकता है, कोई भी फ्लूड उसके अंदर में हो सकता है, तो आप वहाँ पर उसको ओपनिंग करते समय ध्यान में रखेंगे कि आपकी बॉडी से टच ना हो, इससे आपकी बॉडी को इरिटेशन हो सकती है और डिसीजेस हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग केयर बिफोर वर्किंग ऑन मशीनरी विच इलेक्ट्रिकल मोटर और कनेक्शंस। इलेक्ट्रिकल मोटर पर जब आप काम कर रहे होते तो मेक श्योर करो कि आप उसमें प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल करंट हो सकता है और आपको शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेकिंग प्रिकॉशंस वेल वर्किंग विद द फ्रिज रूम। फ्रिज रूम में जब आप काम करने जाते हैं तो एंट्री प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, क्यों यहाँ पर देखेंगे आप, ये यहाँ पर फिर से स्पेशल क्लोथिंग दी गई है। मतलब फ्रिज रूम का मतलब क्या, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है वहाँ पर, नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री है, वहाँ पर जाएंगे आप तो 5 डिग्री 4 डिग्री माइनस में रहेगा चिल रूम का टेम्परेचर। तो जब आप उसमें अंदर एंट्री करेंगे तो नॉर्मल कपड़ों में जाएंगे तो आप तो एकदम बर्फ बन जाएंगे, कुल्फी बन जाएंगे अंदर जाके, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज़ करनी है ना। तो ये क्लोथिंग यूज़ करेंगे, स्पेशल क्लोथिंग होती है जिससे आपको वहाँ पर ठंडी नहीं लगेगी फ्रिज के अंदर में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजिंग सेफ्टी हार्नेस एंड टेकिंग केयर वाल वर्किंग एट द हाइट वर्किंग अलॉफ्ट। वर्किंग अलॉफ्ट का मतलब होता है कि ऊंचाई पर काम करना, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी हाइट पर काम कर रहे होते हो तो आपको क्या यूज़ करना है, सेफ्टी हार्नेस यूज़ करनी है। ये सीमेनशिप के लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा सेफ्टी हार्नेस क्या होता है एंड हाउ टू यूज़ इट, ठीक है। प्रैक्टिकल्स भी इसका होता है, वर्कशॉप में आप देखेंगे, अपने वर्कशॉप में जाएंगे तो पूछिएगा सर से जाके कि हार्नेस कैसे यूज़ करते हैं, बताएंगे आपको, ओके। विल गो टू द फॉरवर्ड, आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट में टेकिंग केयर वाइल वर्किंग विद नैरो स्पेसेस। जो पतले पतली जगह होती हैं जहाँ पर उठने की बैठने की जगह नहीं होती, वहाँ पर जब आप काम कर रहे होंगे तो थोड़ा ध्यान से काम करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको गर्दन में चोट लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जगह कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेफ मूवमेंट ऑफ द हैवी इक्विपमेंट यूजिंग अप्रोप्रिएट लिफ्टिंग डिवाइस एंड एसेसरीज। टेकिंग प्रॉपर पोजिशन बिफोर यूजिंग मैनुअली। क्या है ये, जब भी आप किसी भी भारी आइटम को उठा रहे हैं, किसी भी इक्विपमेंट को उठा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको लिफ्टिंग इक्विपमेंट अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए और प्रॉपर सेफ्टी के साथ यूज़ करना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको चोट लग सकती है और आपके इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग प्रिकॉशंस वाइल वर्किंग इन पंप रूम एंटरिंग मूविंग अराउंड वर्किंग। पंप रूम का मतलब जहाँ पर बहुत सारी पंप लगी होती हैं, मोस्टली ये रूम टैंकर्स में पाए जाते हैं, और वहाँ पर पंप रूम में पंप हैं, पाइपलाइंस होती है, सरफेस भी ऑयली हो सकता है। तो जब आप उसमें एंटर कर रहे हैं और वहाँ पर जैसे इधर उधर जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, आपको इंजरी होने के चांस हो सकते हैं। टेकिंग प्रिकॉशंस वाइल वर्किंग इन स्टोर रूम्स। सेम सिंपल, स्टोर रूम मतलब बहुत सारा सामान होता है, उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर जाएंगे आप तो इक्विपमेंट्स को किधर शिफ्ट करना है, उठाना है, जो भी करना है वो थोड़ा ध्यान से करिए, नहीं तो आपको इंजरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। टेकिंग प्रिकॉशंस वाइल वर्किंग ऑन आइटम्स विच विद रिमोट कंट्रोल लाइक क्रेन्स विंचेस एटसेट्रा। जब भी आप क्रेन यूज़ कर रहे हैं तो आपको, जब तक आप प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तब तक आप किसी भी ऐसे रिमोट इक्विपमेंट को यूज़ ना करें जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, अदरवाइज आपको खुद को इंजरी हो सकती है और दूसरों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज अ गुड हाउस कीपिंग, वेल अरेंज्ड, क्लीन, लाइटनिंग सिक्योर्ड एटसेट्रा। हाउस कीपिंग शुड बी गुड एट ऑल टाइम बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द इंजर रूम रेटिंग, इंजर रूम शुड बी क्लीन एंड टाइडी एट ऑल द टाइम, मीन्स गुड हाउस कीपिंग शुड बी देयर, ओके। तो ये यहाँ तक तो हमारे ये जो मैंने बताया आपको सेफ वर्किंग प्रैक्टिस है कि आप कैसे सेफली काम कर सकते हैं। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।